श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक एमटेक एमसीए एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है हम सब ठीक हम सब ठीक है। हमारे पुराना जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जो पुराना जी से हमारा करीब करीब मेरा तो व्यक्तिगत रूप से 15-17 साल पहला पुराना दोस्ताना है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो हम सब एक है, हम सब एक है, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। मालिक ये आप सब लोग जो इस समय एक नारेबाजी कर रहे हैं, कौन से आप विभाग के हैं और क्यों इतने नाराज हैं सरकार से, क्या हो गया? हम लोग सहकारिता विभाग की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पैक्स के कर्मचारी हैं। हम विगत 10-15 वर्षों से शासन से मांग करते आ रहे हैं कि हमारे पैक्स के कर्मचारियों का सेवा नियम बनना चाहिए। सेवा नियम बना, उसमें वेतनमान जारी हुआ, उसमें बहुत सारी विसंगतियां शासन के द्वारा लगा दी गई। हमारी शासन से एक प्रमुख मांग है कि हमारे पैक्स के कर्मचारियों का वेतनमान बनना चाहिए, केडर बनना चाहिए, स्थानांतरण नीति बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पैक्स के कर्मचारी एक एक कर्मचारी 30-30, 35-35 सालों से एक ही पैक्स में काम कर रहे हैं, जिससे उनका प्रभाव क्षेत्र में कम हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए शासन ने हमारी इन मांगों को मानना चाहिए। दूसरा हमारा एक सबसे प्रमुख बिंदु है कि हमने लड़ झगड़ के शासन से 60% आरक्षण पैक्स संस्थाओं के कर्मचारियों से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में समिति प्रबंधक की केडर भर्ती के लिए करवाया था। चूँकि शासन के द्वारा केडर भर्ती के आदेश तो जारी किए गए कि भाई पैक्स संस्थाओं में से जो पात्र कर्मचारी है उनको बैंक कैडर में लिया जाए, किंतु शासन के द्वारा साथ ही उसमें कई प्रकार के आदेशों में विसंगतियां किंतु परंतु लगाकर वो आज दिनांक तक कैडर भर्ती नहीं हो पाई। तीसरा हमारा एक प्रमुख बिंदु है कि कोरोना काल में जब पूरा विश्व कोरोना की चपेट में था, ऐसी परिस्थिति में हमारे विक्रेता साथियों के द्वारा अपनी जान जोखिम में डाल के और ऑफलाइन वितरण किया, चूँकि ये शासन के आदेश के अनुसार ऑफलाइन वितरण किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिनांक तक वो जो ऑफलाइन वितरण हुआ है उसको पीओएस मशीन से स्टॉक को कम नहीं किया गया और हमारे जो साथी है इनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई शासन के द्वारा करवाई जा रही है, राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। इन सब चीज़ों का जब तक निराकरण नहीं होता हमारा ये आंदोलन, चूँकि 22 अगस्त तक का था किंतु शासन से वो हमारी कोई बात नहीं बनी हमारे महासंघ के पदाधिकारियों की, तो ये आंदोलन अब अनिश्चित काल के लिए हो गया है। जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा ये आंदोलन 30 तारीख तक चले, 15 सितंबर तक चले, 30 अक्टूबर तक चले, जब तक मांगों का निराकरण नहीं होगा ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। आपके आंदोलन से जो जनता है वो आपसे किस तरीके से जुड़ी हुई है? राशन वाला जो सिस्टम है वो आप ही वाला है क्या? हमारे पैक्स संस्थाओं के पास लगभग 329 दुकानें हैं, जिससे करीब 2.5-3 लाख पीडीएस के उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। 60,000-70,000 किसानों को हमारी पैक्स संस्थाएं खाद बीज वितरण ऋण वितरण का कार्य करती है, वो खाद का वितरण भी प्रभावित हो रहा है, पीडीएस वितरण प्रभावित हो रहा है। चूँकि हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारा किसान साथी परेशान हो, उपभोक्ता लोग परेशान हो, किंतु शासन हमारा अगर पेट भूखा है तो हम तो शासन से मांग करेंगे। अब शासन का काम है कि हमारी मांगों को मानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हमारे कई साथी इस प्रकार से 30-35 साल की नौकरी कर चुके हैं जो रिटायरमेंट के करीब है। आज अगर वो रिटायर हो के घर जाता है और बच्चे उसके पूछते हैं कि पापा क्या लेके आए, तो क्या जवाब नहीं हम दे पाते। कई सामाजिक कार्यक्रमों में जाते और हमारे कोई रिश्तेदार अगर पूछ लेते हैं कि भाई आपका बेसिक वेतन क्या है, मूल वेतन क्या है, तो हमको मजबूरन झूठ बोल के बोलना पड़ता है कि मेरे को 60,000 रुपये मिल रहे हैं, मेरे को 65,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि 20,000 और 18,000, 15,000, 12,000 रुपये मिल रहे हैं।
तो हम आपके चैनल के माध्यम से शासन तक हमारी ये बात पहुंचाने का एक माध्यम बना के बात रखना चाह रहे हैं कि शासन ने हमारे इन पैक्स के छोटे कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करना चाहिए। ठीक, आपका परिचय? मिश्रीलाल पटेल, सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई खंडवा अध्यक्ष। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।